गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आज के इस ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी है सुबह का टाइम, सुबह के 8 बज रहे हैं और गर्मा गर्म चाय के साथ और बाहर के इस नज़ारों का जो है व्यू और मज़ा लेते हुए, बस दिल्ली के घरों से इतना ही व्यू और इतना ही मज़ा मिलता है अगर आप जो है तंग गलियों में रहते हो। पर बाहर जो है काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी तो मौसम जो है आज अच्छा ही था सुबह का। और ये जो है मैंने रात को ही मैक्रोनी जो है वो मैंने भिंगो जो उसको बॉईल करके रख लिया था। ये रात की सारी मेरी तैयारी प्रिपरेशन, ये चिया शीट्स मैंने हस्बैंड के लिए भिंगो दिया था और नीचे उसके आलमंड्स और उसके नीचे है जीरा और दालचीनी का पानी जो मैं ओवरनाइट सोक करके रखती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग जो है उसे बॉईल करके और शहद और नींबू के साथ जो है मैं हस्बैंड को देती हूँ और वो उसको पीने के बाद जो है फिर वो बेटी को छोड़ने चले जाते हैं। और ये ना मैंने इनके लिए सॉक्स मैंने ऑर्डर किया था, ये भी मैंने मीशो से ही ऑर्डर किया था। ये सब नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियोज़ है, आप नीचे कमेंट में ना लिखे कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है, ये सारे नॉन स्पॉन्सर्ड है। मैं जो भी चीज़ें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं जो भी चीज़ें खरीदती हूँ परचेज़ करती हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये जो था पैक ऑफ टू था, यानी कि आपके एक एक पैकेट में आपका जो है तीन या चार आपका सॉक्स था, जिसमें एक में जॉकी लिखा हुआ था और एक में जो है नाइकी लिखा हुआ था। पर ये दोनों ही पेयर ऑफ थ्री सॉक्सेस और यानी कि छः था और एक सॉक्स जो है वो फ्री गिफ्ट के हिसाब से मिला था। सॉफ्ट है फैब्रिक, बहुत ही सॉफ्ट है, कॉटन है, प्योर कॉटन है ये तो नहीं बोलूँगी, पर थोड़ा सा जो है मिक्स है क्योंकि हस्बैंड बता रहे थे वैसे जब पहनने में तो बहुत ही कंफर्टेबल है, पर ऐसे बता रहे थे कि ना जो ये ब्लैक वाले हैं ना वो थोड़े से ना स्लिप करते हैं, तो क्योंकि वो जब जाते हैं पार्क में, पार्क नहीं एक्चुअली वो जिम जाते हैं, तो आज मैंने बता ही दिया, वो जिम जाते हैं तो वहाँ पे कभी कभी जो है वो बता रहे थे कि एक बार शूज़ उतारने की ज़रूरत पड़ी थी तो फिर वो उस टाइम पे जो है वो नीचे पैर जो है थोड़ा स्लिप कर रहा था, तब जाके पता चला कि जब इसमें जो है थोड़ा सा जो है मिक्सिंग है, प्योर कॉटन नहीं है। बट ओवरऑल जो है सॉक्स अच्छा है और जो है आपका ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा है, एंकल लेंथ में आपको दिखाती हूँ अभी। और ये रिशा, उसमें उसके साथ एक थैंक यू कार्ड आया था वो दिखाते हुए, मैं आपको दिखाती हूँ अभी ये सॉक्स का कैसा है, मतलब लेंथ वगैरह क्या है क्या नहीं है बताती हूँ अभी। और ये रिशा ने ना जो है फैमिली रिंग बनाया था ये पापा के लिए और गोल्डन कलर का। सबसे पहले तो कलर पूछ लिया था कि पापा आपको कौन सा कलर चाहिए, मम्मा आपको कौन सा कलर चाहिए पसंद है, तो फिर पापा के लिए जो है गोल्डन कलर और मेरे लिए है ये ब्लू कलर और इसने अपने लिए पता नहीं कौन सा कलर का बनाया था। तो ये कुछ ऐसा रिंग है, इसने फैमिली रिंग बनाया था कि हम कहीं अगर गुम हो जाए कहीं, जैसे पहले के ज़माने में कुंभ के मेले में गुम हो जाते थे तो ये रिंग से हम आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि हाँ ये हम सब वी आर फैमिली और हम सब जो है वो एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। और अच्छा, इसने अपने लिए पिंक कलर का बनाया था तो अभी जो है ओवरऑल अच्छा है, अच्छा बनाया था इसने, वेरी गुड। और ये हस्बैंड को अभी मैंने ट्राई करने के लिए मैंने बोला है तो ये अभी ये ट्राई करते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरीके से आया था, पैक ऑफ थ्री था सॉक्स और इस तरह के दो पैकेट्स आए थे और जो है आपका एक एक पैकेट में तीन था और एक फ्री था, एक था आपका जॉकी का और एक नाइके का जैसे मैंने पहले बताया था और एक एमए था। तो वैसे सॉक्स की जो क्वालिटी है वो अच्छी है और दोनों में ही जो है जो दो पैकेट्स जो आए थे दोनों में ही जो है आपका सेम ही कलर था, वाइट ग्रे और ब्लैक, और नाइकी वाले में भी था जॉकी वाले में भी था। फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट है, कॉटन है पर प्योर कॉटन नहीं है, थोड़ा सा मिक्स है क्योंकि जब ये सिर्फ सॉक्स पहन के जब ये वॉक कर रहे थे ना तो फिर उनका पैर जो है थोड़ा स्लिप कर रहा था, मे बी शायद नया है इसलिए भी हो सकता है, ऐसे छूने से तो मुझे बिल्कुल नहीं पता चला था कि ये मिक्स है,
पर क्वालिटी जो है अच्छी है। और अभी मैं इनसे कह रही हूँ कि आप थोड़ा पहन के बताइए मुझे कि इसका लेंथ वगैरह का मतलब कैसा है, आपके पैरों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जो है लेंथ भी इसकी ठीक है। अभी वैसे बड़ा सॉक्स तो कोई भी नहीं पहनता है, एंकल लेंथ तक ही मोस्टली पहनते हैं, तो ये कुछ इतना आ रहा है लेंथ। तो सॉक्स जो है इनको बहुत पसंद आया था, तो सॉक्स जो है अच्छा है ओवरऑल। और अगर आप में से अगर कोई लेना चाहता है तो आप लोग बता दीजिए, मैं नीचे जो है प्रोडक्ट कोड और जो मेरा रेफरल कोड है वो भी मैं डाल दूँगी। अगर आप रेफरल कोड अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो आप लोगों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। तो अगर आप लोगों को इससे क्या होगा कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा सर्च करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं वही चीज़ों के प्रोडक्ट कोड्स जो है मैं नीचे डालूँगी, जो जिसकी क्वालिटी अच्छी है, जिसको मैंने लेके मुझे अच्छा लगा, तो उसी के ही मैं प्रोडक्ट कोड्स जो है मैं नीचे डाल दूँगी। और अच्छी है चीज़, आप लोग वेयर कर सकते हैं और बहुत ही रीज़नेबल रेट में है। और ये हमारी सोने से पहले की तैयारी, जैसे मैंने पहले दिखाया था, ये आमंड्स मैंने इनके लिए भिगोया था। आमंड्स मुझे बिल्कुल सूट नहीं होता है, तो मैं नहीं खाती हूँ, मैं बस बेटी और हस्बैंड ही खाते हैं। और यहाँ पे ये जीरा और दालचीनी का पाउडर, ये ओवरनाइट जैसे ही मैं इसको भिगो के रख देती हूँ और नेक्स्ट मॉर्निंग बॉयल करके जब वो हाफ हो जाता है उसके बाद जो है और ठंडा करके शहद और नींबू के साथ देती हूँ। ये चिया सीड्स एक चम्मच, और ये जो है आफ्टर वर्कआउट जब ये आएंगे घर पे अभी तो उसके बाद जो है मैं इनको ये दूंगी अब वो नींबू और शहद के साथ। इसका वीडियो भी मेरे चैनल पे है, आप वो भी देख सकते हैं। इसको भीगने में जो थोड़ा टाइम लगता है, सब्जा के जो बीज है ना वो पानी में जाते ही तुरंत वो फूल जाते हैं, पर ये जो चिया सीड्स है ना वो थोड़ा सा टाइम लगता है इसको भीगने में। तो उसको अच्छे से जो है थोड़ा मिक्स कर दूंगी पानी में ताकि सारे सीड्स जो है वो अच्छे से वो भीग जाए, और उसके बाद जो है इसको मैं ढक के रख दूंगी। ये रात को जो है ये हमारा डेली रूटीन है, रात को जो हम लोग ये तीन चार चीज़ें जो है वो हम लोग ऐड करते हैं, मतलब भिंगो के ओवरनाइट भिंगो के रखते हैं। और कभी कभी इसमें थोड़ा और चीज़ें भी ऐड हो जाती है, जैसे मैं सैटरडे मैं चिरैता, एक्चुअली बंगाली में इसको चिरोता कहते हैं, चिरैता जो है वो मैं भिंगो के रखती हूँ अपने लिए, वो सिर्फ मैं ही पीती हूँ। क्योंकि अगर आप लोग ने मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे तो मुझे एक तरह की ब्लड एलर्जी है, जिसमें चिरैता का पानी पीने से ना मुझे इसमें काफ़ी मुझे रिलीफ मिला था, तो इसके लिए मैं पीती हूँ। इसके लिए जो है काफ़ी परेशानी भी उठानी पड़ी थी, स्किन बायोप्सी एंड ऑल बहुत बहुत कुछ चल रहा था, तो ट्रीटमेंट जो है इसके लिए अभी भी चल रहा है। ये कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये मतलब इजी लैंग्वेज है, अगर आम जनता अगर आम पब्लिक को अगर समझना हो कि क्या है प्रॉब्लम, ये कौन सी बीमारी है, तो ये इजी लैंग्वेज है। अदरवाइज़ इसका जो डॉक्टरी जो नेम है नाम है उसको तो प्रोनाउंस करने में हमारा जीभ जो है वो टूट जाएगा। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, और अगर जब तक है हम लोग तो कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। अभी ये रात की तैयारी जो है चल रही है, नेक्स्ट मॉर्निंग इसको मैक्रोनी मुझे देना था, तो मैं रात को जो है इसको ऑयल और नमक के साथ मैक्रोनी को मैं बॉईल करके रख लेती हूँ, तो जो काम जो है मेरा बहुत जल्दी हो जाता है। और क्योंकि इसमें ऑयल दिया हुआ रहता है तो ये एक दूसरे के साथ चिपकता भी नहीं है और बहुत अच्छे से जो है बॉईल हो जाता है। और ये नमक और तेल तो मैंने डाल ही दिया है। और डिनर मेरा बन चुका है, आलू और परवल की सब्ज़ी थी और रोटी थी, इन लोगों को मैंने दे दिया है खाना। और जब तक मैं खाऊंगी, जब तक मेरा डिनर फिनिश होगा तब तक मैक्रोनी जो है वो बॉयल हो जाएगा। चलिए फटाफट जो है डिनर सर्व करते हैं, भूख लगी है बहुत तेज़। और वहाँ पे पानी मैंने इंडक्शन पे जो बॉयल करने के लिए रख दिया है, तो जब तक मेरा खाना सर्व होगा तब तक पानी बॉयल हो जाएगा, और फिर मैक्रोनी में डाल के मैं खाने चले जाऊँगी उसको स्लो कुक पे रख के। तो अभी जो है ये देखिए पानी मेरा बॉयल हो भी गया, और यहाँ पे अभी जो है ये मैक्रोनी डाल के मैं भी चली जाऊँगी क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी है। ऑलमोस्ट जो है रात के 10 बज चुके थे। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी, नहीं तो ऐसे मैक्रोनी डालने के बाद ना तुरंत फिर अगर ना चलाऊँ ना तो नीचे बहुत जल्दी चिपक जाता है। ये मैंने स्लो कुक में कर दिया है, अभी मैं जब तक खाना खाऊँगी तब तक मेरा बॉयल हो जाएगा। रात के बज रहे हैं 11 और इधर कल की तैयारी भी हो गई है सुबह की, और बस
अभी ये लाइट वाइट बंद करके अभी चलते हैं सोने। मिलते हैं आपके साथ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।